मेरे को गाड़ी में बिठा दो, आजकल तो हर यूट्यूबर यही कर रहा है, रॉन्ग राइड पे निकलता है। तो क्या जट प्रभजोत ने फिर से एक बार यूके 07 राइडर को एक्सपोज कर दिया है? या दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूके 07 राइडर फिलहाल जो है ऑल ओवर इंडिया के राइड पर निकले हुए हैं, और यहाँ पर जट प्रभजोत का ये कहना है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो लॉन्ग राइड पर निकल तो जाते हैं पर उनकी औकात नहीं होती है कि वो पूरी राइड जो है वो बाइक चलाते हुए कवर करे। इसलिए वो क्या करते, थोड़ी दूर के लिए बाइक से राइड करते और बाकी के टाइम अपनी बाइक को किसी फोर व्हीलर के ऊपर चढ़ा देते और खुद भी फोर व्हीलर में बैठकर आराम से ट्रैवल कर रहे होते हैं। और जब वो किसी मेन सिटी में पहुंचते हैं तो बाइक उतारकर फिर से ड्राइव करने लगते हैं, और इसी फालतू से राइड को वो लॉन्ग ड्राइव कहते हैं। तो यहाँ पर जट प्रभजोत ने क्लियरली यूके 07 राइडर का नाम तो नहीं लिया, पर उनके बातों से तो यही लगता है कि वो यहाँ पर यूके 07 राइडर की ही बात कर रहे। तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सोचो अपने को लॉन्ग राइड पे जाना है और मैं ऐसे झुक के बाइक चला रहा हूँ, तो कहाँ तक ही चला पाऊंगा? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कंफर्टेबल, उसके बाद ऐसा हो जाएगा बस भाई मेरे को गाड़ी में बिठा दो। आजकल तो हर यूट्यूबर यही कर रहा है, लॉन्ग राइड पे निकलता है, बीच में गाड़ी में बैठ जाता है, बीच में बाइक पे हो जाता है, अपना मन नहीं करता। अपना होता है कि भाई बाइक पे निकले तो बाइक, गाड़ी पे निकले तो गाड़ी, मतलब प्रॉपर जो काम करने निकले ना वही करे, उसी में मजा है। फिलहाल दोस्तों, जट प्रभजोत ने यहाँ पर जो भी बातें कही है उस बात से आप कितना एग्री करते हो, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए खबरी मैन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।